सोलन में बाल दिवस के उपलक्ष्य पर व्यापार मंडल अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। माल रोड पर आयोजित कार्यक्रम में 100 के करीब स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस मौके पर 15 किलो का केक बच्चों ने काटा तथा साथ ही हाथों में पकड़े बैनरों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश लोगों को दिया। बच्चों को केक, फ्रूट केक और अन्य वस्तुएं शिव वेकर की ओर से वितरित की गयी। प्रधान व्यापार मंडल मुकेश गुप्ता ने कहा कि उन्हें 14 नवंबर का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। वो इस दिन बच्चों के साथ मिलकर ये दिन मनाते हैं। उन्होंने कहा कि बेटों और बेटियों में कोई फर्क नहीं, ये सिर्फ हमारी सोच का फर्क है। आज बेटियां दुनिया के हर क्षेत्र में बहुत आगे चली गई हैं। मुकेश गुप्ता ने सोलन की बेटियों बेबी ट्विंकल रिया शिया को बधाई दी। उन्होंने सोलन का नाम छोटे पर्दे पर चमकाया है। इन बच्चों के साथ 14 नवंबर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए मनाता हूँ। जो बच्चे हैं ये हमारा कल का भविष्य है, खासकर जो बेटियां हैं उन बेटियों के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि बेटी कोई बोझ नहीं है, बेटी एक बहुत अनमोल चीज है। जैसा कि आपको पता ही है कि सोलन के अंदर से हमारी बहुत सी बेटियां अब छोटे पर्दे पर भी दिख रही है और सोलन का नाम रोशन कर रही है। रिया श्रेया और ट्विंकल ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने सोलन के नाम को आज बॉलीवुड तक पहुंचा दिया है। इसलिए मैं बाल दिवस पर अपनी ओर से और सोलन व्यापार मंडल की ओर से भी सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई।